हाय बहनों, वेलकम टू माय ब्यूटी चैनल। सो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सटल मेकअप। और ये जो लुक है ये मैंने एवं ही क्रिएट किया है। सो ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहीं जा रही हूँ, बट आपके लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। ऑल्सो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। एंड यस, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड क्विकली लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। मैंने ना बहनों हेयर वॉश करके ना बाल ऐसे ही जूड़ा बना दिया था और देखो क्या हालत हो गई है बालों की। मतलब गीले बाल ही ना मैंने ऐसे बन बना दिया था तो बहुत ज़्यादा फ्रिजी से हो गए। अब मैं क्या करती हूँ ना, इसको फिर स्ट्रेट करूँगी एंड देन आई डू कर्ल या थोड़े वेवी कर्ल, ऐसा होता है। मतलब ये नेचुरल हेयर है मेरे वेवी से। फिर यहाँ पे अब मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ ये लैक्मे का 925 स्किन स्टाइलिस्ट कलेक्शन ल्यूमिलिट क्रीम से। और ये हाइलाइटर इन मॉइस्चराइज़र है, ये नया आया है और मैंने गोल्ड शेड में लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे ये दिखने में वाइट क्रीम जैसा है बट जैसे ब्लेंड करोगे ना तो वो गोल्ड वाला इफेक्ट दिखता है चेहरे पे और बहुत ही अच्छा। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्रीम भी। एंड इट इज़ सुपर हाइड्रेटिंग, इट इज़ सुपर मॉइस्चराइजिंग और बहुत ही अच्छा ग्लोई इफेक्ट देगा। बट हाँ, गोल्ड वाला इफेक्ट देगा ये, ठीक है, वैसा नहीं देगा कि लाइक नॉर्मल इफेक्ट ग्लोई इफेक्ट जो होता है, बट आई लाइक इट। इसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेली लाइफ फॉर एवर 52 प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन जो कि है इन द शेड चीज़ केक में। और ये मेरा फेवरेट शेड है, एज यू ऑल गाइज नो। इसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस इस तरह से डॉट डॉट में। और जस्ट मैं यही इंडिविजुअल फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। और आप बेस देखना, इंडिविजुअल बेस से भी ना इतना अच्छा बेस बनकर आता है, मतलब कभी कभार तो आई फील सो प्राउड ना कि स्किन अच्छी हो रही है करके मेरी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फाउंडेशन लगाते ही ना फेस अजीब सा दिखता है, लाइक फाउंडेशन अच्छे से बैठता नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू नो केकी सा हो रहा है फाउंडेशन या साइड साइड से निकल रहा है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब मेरे चेहरे पर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तब। बट अभी आई एम लविंग माई फेस क्योंकि अभी स्किन अच्छी हो रखी है, पानी वानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ इसलिए फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से आ रहा है। सो या, अगर आपका स्किन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली जो फाउंडेशन भी होगा ना आपके फेस पे अच्छे से टिकेगा, वो भी हाइड्रेशन देगा ऑटोमेटिकली क्योंकि विथ इन स्किन आपको हाइड्रेशन मिल रहा है तो वो बाहर भी नज़र आएगा फाउंडेशन जब आप अप्लाई करोगे फॉर योर बेस। या सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं यहाँ पे सफ़ेद भूतनी लग रही हूँ बट ठीक है, आई ऑलवेज प्रेफर थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन कंपेयरिंग टू माय नेक। मेरा नेक में ज़्यादा येलो अंडरटोन है और फेस में आप देखोगे तो पिंक अंडरटोन है, बट मुझे येलो टोन मतलब लाइटर शेड परफेक्ट लगता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता मेरे चेहरे में। अगर मैं सेम मेरे नेक का टोन का शेड लगाती हूँ ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे एल्फ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं जो कि कैमो कंसीलर है इन द शेड लाइट बेज में। ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये थिक कंसीलर है ना, आई जस्ट लव टू अप्लाई थिक कंसीलर्स। और इसका जो वॉन्ड है ना इतने अच्छे से अप्लाई कर देता है ना प्रोडक्ट को एंड काफ़ी चल गया यार ये प्रोडक्ट, मतलब काफ़ी प्रोडक्ट था इसमें, बहुत टाइम तक चल गया ये, इसलिए आई सुपर लव दिस कंसीलर। ट्राई करना अभी इफ़ यू हैवन ट्राई दिस वन, इट्स द बेस्ट 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 कंसीलर। मतलब अब ऑब्वियसली आपको शायद पसंद ना आए बट मेरे को तो बहुत पसंद है भैया, तो इसलिए मैं इतनी तारीफ करती हूँ कुछ प्रोडक्ट्स की ना, जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता था मैं तारीफ कर ही देती हूँ। ब्लेंड करने के बाद देखो कितना सीमलेस ब्लेंडिंग हुई है यहाँ पे अंडरनीथ माय आईज, वाओ आई लव इट। मतलब ऐसे देखने में ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है, उस टाइम भी अच्छा लग रहा था व्हेन आई वाज अप्लाइंग बट उस टाइम पे तो बस दिमाग में यही था कि आई मेकअप कौन सा करूँ आज, आई मेकअप कौन सा करूँ, क्योंकि मैं आपके लिए ना क्विक सडन वाले आई मेकअप लेकर आती हूँ। वो मैं एकदम से ऐसे सोच के नहीं बैठती हूँ कि हाँ मुझे इस आई मेकअप में वीडियो बनानी है, वो मैं एकदम से मेकअप करते टाइम ही मैं सोचती हूँ कि चलो यही वाला आई मेकअप आज मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है आप देख सकते हैं। कंसीलर वैसे मेरे लिए इतना नेसेसरी नहीं है बट फिर भी मैं अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि हाईलाइट इफेक्ट अच्छा देता है कंसीलर को। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट यू नो डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए ही अप्लाई किया जाए, इनफैक्ट आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइटर बोला तो वैसा हाईलाइटर नहीं, जस्ट टू गिव हाईलाइट ऑन योर फेस। ओके, सो लूज पाउडर मैंने एयर स्पन का यूज़ किया है, ट्रांसलूसेंट वन, बहुत लेस क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस चबी हो गया है ना, तो चबी फेस में थोड़ा सा लेस क्वांटिटी ही यूज़ किया जाता है
बेकिंग पाउडर बेक करेंगे ना तो थोड़ा लेस क्वांटिटी में यूज़ कीजिए अगर आपका भी फेस चबी हो गया है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लग जाता है और फिर उस एरिया को ना वो और ज़्यादा हाईलाइट करता है। स्पेशली आप देख रहे हो मेरे चीक्स इतने मोटे मोटे से हो गए हैं, गोलू मोलू सी हो गई हूँ मैं दोबारा। सो आई शेडो के लिए मैंने ये फ्रूट पैलेट ही यूज़ किया है, बहुत अच्छा पैलेट है ये। एंड इसमें से मैंने सबसे पहले ये हल्दी वाला शेड लिया है एज अ ट्रांजिशन, ऑल ओवर माई लिड्स को अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। बी एच कॉस्मेटिक का ब्लेंडिंग ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। देन सेकेंड शेड मैंने लिया है ये मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में से, और ये मैंने ब्राउन शेड पिक किया है और इसको यहाँ पे मैं आउटर वी पे अप्लाई करके ड्रैग करके मैं इसको अपने इनर वी तक लेकर आऊँगी, और इनर वी पे मैं थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखूँगी, लाइक बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी ये वाला शेड। ओके सी, और अच्छे से मैं डिफ्यूज़ करूँगी इसे ऊपर की तरफ और वी शेप दूँगी मैं, ठीक है, आउटर वी में। इसके बाद मैंने लिया है ये येलो गोल्डन शेड और इसको मैं अपने इनर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। वेल ये बहुत ही ज़्यादा येलोइश है, मुझे अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है, मुझे थोड़ा सा ऑरेंजी टाइप गोल्डन शेड चाहिए था। बट फिर मैंने यहाँ इसके बाद मैंने सेंटर पे अप्लाई किया है रेड शेड, और ये मैट में है, ये मैंने शिमर नहीं लिया है, दिस वन इज़ मैट, गोल्डन वन इज़ शिमर बेस्ड। बीच में मैंने बिल्कुल वहाँ पे मैंने कॉपर शेड अप्लाई किया है, एंड देन मैंने लिया है एक ऑरेंज शेड और मैंने उसी येलोइश शिमर के ऊपर ऑरेंज शेड अप्लाई कर दिया, फिर ये ग्लिटर पैलेट में से मैं ले रही हूँ। कॉक्शन लिया है मैंने एक ब्राउन और एक लाइक कॉपर गोल्डन है, कॉपर नहीं है सॉरी, इट्स लाइक हाँ कॉपर ही कहेंगे, दोनों का मिक्स अप्लाई कर दिया और बीच में मैंने थोड़ा सा शैम्पेन ग्लिटर अप्लाई किया है, और यहाँ पे मैं सारे शेड्स को ब्लेंड कर रही हूँ, आई मीन लाइक ऊपर ऊपर जो है लाइक थोड़ा हार्श ना दिखे एंड अच्छे से डिफ्यूज लगे, शेड ब्लेंडेड लगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ये जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ स्विज, ये मैंने सॉरी नॉट जेल लाइनर, दिस इज़ एन वाई बे का मैंने लाइनर लिया है, द बिग एप्पल ऑफ माई आई, उसके हेल्प से मैंने अपने आईज पे अप्लाई कर दिया इसको वाटर लाइन पे, और आप वाटर लाइन पे नॉर्मल एक आई लाइनर की तरह बनाया है, नो विंगी दिस टाइम। ओके फिर यहाँ ब्राउज के लिए हम गोना यूज़ द सी वी बी का है ये चार्म वोक ब्यूटी ब्राउ कॉन्टो किट, ओ थ्री शेड में है, और इसमें से इस बार मैंने ब्लैक शेड लिया है। इसका ब्लैक शेड भी काफ़ी सटल है, मतलब इसमें तीन शेड्स हैं, ब्लैक डीप ब्राउन एंड मीडियम ब्राउन शेड, तीनों ही सटल शेड्स हैं बहुत ही, कुछ जैसे कि हम आई शेडो अप्लाई करते हैं ना तो आई शेडो इज़ लाइक जेट ब्लैक, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, ऑब्वियसली वो आपके ब्राउज को बहुत ही अच्छे से इन्हांस करेगा और बहुत डार्क भी लगता है, बट ये वाला इट्स लाइक अ प्रॉपर ऑब्वियसली ब्राउ पाउडर, तो ये सटल है एंड यू कैन वेयर दिस टाइप ऑफ ब्राउ पाउडर यू नो नॉर्मल डेज में भी, अच्छा लगेगा ये, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। सो बी एच कॉस्मेटिक का ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं ब्राउ पाउडर के लिए, एंड स्पूली के हेल्प से ब्रश कर दूँगी ताकि जो हेयर होंगे ना वो नीचे ही ना गिर रहे हों, वो ऊपर ऊपर की तरफ जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए। वाटर लाइन पे मैंने हाफ थ्री फोर्थ पे अप्लाई किया है ब्लैक आई शेडो, एंड बाकी थ्री फोर्थ इनर वी पे मैंने अप्लाई, इनर वी तो नहीं बोलेंगी, इनर वी लाइन पे मैंने ग्रीन शेड अप्लाई किया है। एंड उसके ग्रीन शेड के ऊपर मैंने एक आईसी ग्लिटर अप्लाई कर दिया है, एंड यहाँ पे मैं लैशेज अप्लाई कर रही हूँ।
कंटूरिंग के लिए नैलियो चीज प्रोफेशन ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें से मैंने लिया है शेड कॉन्टोर का और उसके हेल्प से यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फेस को स्कल्प्ट करूँगी। आई लव दिस कॉन्टोर, मुझे बहुत अच्छा लगा अभी करेंटली। एंड यहाँ पे जॉ लाइन पे भी मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। जॉ लाइन पे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे चबी चीक्स हो गई है बहुत ज़्यादा, चबी चिन भी हो गई है, चबी चीक्स भी हो गई है, सब कुछ चबी चबी हो गया है। सो गाइज, व्लॉग चैनल पे मुझे फॉलो कीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम, मेरा व्लॉग चैनल भी है। एंड या मैं कभी कभार डाल देती हूँ वहाँ भी व्लॉग, तो आप ज़रूर देखना। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज आपको मैं बहुत स्लो लग रही हूँ ना, इट्स बिकॉज पराठा खा लिया मैंने, इसलिए सुबह अभी लाइक सुबह के 12 बजे, सुबह तो नहीं कहेंगे, अब दिन ही हो गई है, 12 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आपके लिए। पराठा खाते, मेथी का पराठा खाया मैंने, बस उसके बाद से अजीब सा हो गया। पर क्या करें यार, पसंद भी आता है ना ठंड में गरम गरम पराठा खाने का मन करता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं ना, अभी पराठा मत खा के जाना प्लीज़, मतलब पूरा दिन ख़राब कर देता है। इतनी वीकनेस सी हो जाती है, वीकनेस तो नहीं बोलेंगे लाइक पता नहीं अजीब सा हो जाता है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता, वैसे लेज़ी सा हो जाता है यार, लेज़ी इज़ द वर्ड। तो अभी मेरे को भी थोड़ा लेज़ी सा फील हो रहा है वॉइस ओवर करने में इसलिए मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ। ओके, सो नोज़ पे भी हो गया है, यहाँ पे लिप्स पे भी हो गया है। वेल, नोज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये कॉन्टोर, बहुत अच्छे से स्कल्प्ट कर रहा है मेरी नाक को, आप देख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा हार्श नज़र आ रहा होगा, बट इसको आप फिंगर की हेल्प से ना अच्छे से ब्लेंड कर दो दोनों साइड में अपने नाक के, एंड देन बेकिंग पाउडर, एंड देन टेक अ बेकिंग पाउडर और उसके ऊपर से सेट कर दो, दैट्स इट। आपकी नाक ना अच्छी लगेगी, पतली लगेगी और शेप में भी लगेगी। मेरी नाक आपने देख ही रखा है, इतनी मोटी सी है, देखो मैं शेप में ले आती हूँ। अब ब्लश के लिए मैंने इसी पैलेट में से लिया है, और ब्लश लिया मैंने इमोशन, ये जो डार्क रेडिश वाला शेड है ना नीचे की तरफ वो वाला, और बहुत ही प्यारा शेड है यार, देख लो, आई लव इट। मुझे इसके सारे ब्लशेस बहुत अच्छे लगे हैं इस पैलेट के। आई थिंक दिस इज़ अराउंड 495 कुछ है ना, मैंने अपनी हॉल में शेयर किया आपके साथ प्राइस भी, ले लो आप, बहुत अच्छा है। 400 रुपये में यू गेटिंग ऑल द ब्लशेज यार, वाओ। आई नो आपको भी लग रहा होगा कि वाओ दीदी ने कितना अच्छा पैलेट लिया है। सो अमेज़ॉन में है ये, ले लेना बहन। और दी लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टेज 929 करके है, ये भी अभी अमेज़ॉन में न्यूली लॉन्च दिखा मुझे और मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया। आई लव द शेड, लिपस्टोन लाई लिक्विड लिपस्टिक है, मैट ट्रांसफर प्रूफ 12 आवर्स तक, एंड द शेड आई एम यूजिंग इज न्यूड स्पाइस 12 में। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो मुझे अजीब सी लगी, बट अदरवाइज द शेड इज़ ब्यूटिफुल। इसमें जजोबा ऑयल है और मैट है ये, बट बिल्कुल सॉफ्ट मैट है, इट्स नॉट गोना ड्राई ऑन योर लिप्स, सो ग्रैप इट बहनो, ग्रैप इट। बहुत ही प्यारा इंडियन स्किन टोन न्यूड शेड है ये, इसे ब्राउन टोन ज़्यादा है, हाँ आप देख लो यहाँ पे ब्राउन और येलो टोन है हल्का सा। एंड हाईलाइटर के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में से दैट वाइट शिमर लिया है, एंड उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत कम कम अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इट्स अ शिमर आई शेडो ऑब्वियसली, बट आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ हाईलाइटर। सो मेरे पास इस तरह का हाईलाइटर नहीं है लाइक वाइट में बिल्कुल प्रॉपर, बट मुझे कभी कभार ना वाइट हाईलाइटर भी अच्छा लगता है अप्लाई करना। रात के लिए सही है, पर दिन के लिए वाइट कलर का आप हाईलाइटर मत अप्लाई करके जाना, अच्छा अजीब सा लगेगा पर नाइट लुक के लिए अच्छा है। या इस लुक को आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में करके जा सकते हैं, है ना बहनों। कितना सटल मैंने आई लुक आपके साथ क्रिएट किया है, कर लेना, ट्राई कर लेना, करके जाना। एंड आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू गाइज, जिस तरह का भी आई लुक आपको चाहिए मुझे कॉमेंट करके बता देना, मेरे दिमाग में आएगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज। एंड या दैट्स इट, आई होप आपको आज का ये मेकअप लुक पसंद आया हो। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा वहाँ पर भी मुझे। एंड या मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।